सांसद चिराग पासवान से उनके पिता का दिल्ली में स्थित सरकारी बंगला आज खाली करवा दिया गया। इस दौरान चिराग पासवान भावुक हो गए। इससे पहले उन्हें पिछले साल जारी किए गए निष्कासन आदेश को अमल में लाने के लिए सरकारी टीम भी उनके 12 जनपद आवास पर भेजी गई थी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले संपदा निदेशालय की टीम वहां पर पहुंची, जिसके तुरंत बाद लुटियंस दिल्ली में स्थित चिराग के बंगले से फर्नीचर और घरेलू सामान ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। दिल्ली में अपने पिता का आवास छोड़ने से पहले चिराग पासवान भावुक हो गए। चिराग ने सबसे पहले अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का आशीर्वाद लिया, उसके बाद पूरे परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर आवास से निकल गए। उधर चिराग ने कहा, यह तो होना ही था, लेकिन कसक यही है कि मैं 2 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। एक दूसरा घर तक मुझे दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम से कम मेरे पिताजी के समय से काम करने वाले लगभग 100 के करीब उनके साथी, उनके मदद करने वाले, उनके समर्थक जो इसी घर में ही रहते हैं, तो ये यकायक ऐसा फैसला करने से जरूर उन सबके भी जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बहरहाल मैं उम्मीद करूँगा कि मैं जितनी उनकी मैं मदद कर सकूँ मैं मदद करूँगा, बट कानून का जैसा मैंने कहा मैं सम्मान करता था, मेरा पूरा परिवार सम्मान करता है। आज नहीं तो कल हम लोग को ये खाली करना था, बस सिर्फ तरीके से थोड़ा सा मुझे एतराज़ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पिताजी की बहुत खूबसूरत यादें हैं और उनका आशीर्वाद है, उससे बढ़कर ना मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ चाहिए ना कभी मुझे पाने की कोई इच्छा है। दरअसल 12 जनपद आवास को चिराग पासवान अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन सरकार ने उनसे खाली करवा दिया और उनके सामान को भी बाहर निकलवा दिया गया है। न्यूज़ लाइफ डेस्क, पटना।